नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेना के नाम पे जो ठगी चल रही है, भर्ती करवाने के नाम पे जो ठगी चल रही है, उसके बारे में आज हम आपको जागरूक करेंगे। एक न्यूज़ के जरिए आज हम आपको जागरूक करने वाले हैं। स्पेशल 26 की दर्ज पर बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी करने वाले गैंग के 3 सदस्य को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। आरोपी टेरिटल आर्मी में भर्ती करवाने के नाम पर ठगी करते थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान महेंद्रगढ़ हरियाणा निवासी बालकिशन और आंध्र प्रदेश निवासी कलकपल्ली श्रीवास्तव राव और कट्टपल्ली वेंकटेश्वर रामा राव के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 फर्जी एडमिट कार्ड, 3 मोबाइल फोन व अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों की रिमांड लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। शुरुआती पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया है कि इन लोगों ने देश भर के करीब 150 युवाओं से लाखों रुपए की ठगी की है। पकड़े गए आरोपियों में कलकपल्ली LLB कर रहा है, जबकि कट्टपल्ली एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, अपनी एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव रंजन ने बताया कि शनिवार को महेंद्रगढ़ हरियाणा निवासी युवक ने ठगी की शिकायत दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि कुछ लोग टेरिटल आर्मी के नाम पर ठगी कर रहे हैं, भर्ती के नाम पर ठगी कर रहे हैं। यह लोग बकायदा फर्जी एडमिट कार्ड और फर्जी मेडिकल टेस्ट व फिजिकल टेस्ट लेकर सारे सिलेक्शन प्रोसेस लेते हैं और उसके बाद युवाओं को लास्ट में फर्जी एडमिट कार्ड देकर उन्हें टकरा दिया जाता है। सूचना के बाद SP श्वेता सिंह चौहान व इंस्पेक्टर केला चंद्र व अन्य की टीम ने मामले की छानबीन की शुरुआत कर दी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी महिपालपुर इलाके में एक युवा को टेरिटल आर्मी का फर्जी एडमिट कार्ड देने आने वाला है। सूचना को बाद में पुलिस ने महिपालपुर के फ्लाईओवर से 3 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस की यह कार्रवाई काफ़ी अच्छी रही। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के ठगी का शिकार बन रहे हैं तो आप डायरेक्टली पुलिस में आप कंप्लेंट दर्ज कराएं और किसी प्रकार के आप फ्रॉड में ना पड़े, नहीं तो आपकी ठगी हो सकती है। जो भी भर्ती होना है आपको, तो आप अपने खुद के बलबूते पे ही भर्ती हो सकते हो, आपको कोई भर्ती नहीं करा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।